यहाँ पे मैंने पिया है गिलास भर के चाय का और ये मैंने फिनिश कर दिया है। और नीचे देखिए देखिए ये ना ये गाय के जो होते हैं ना गुस्से बोलते हैं हमारे यहाँ और उपले भी बोलते हैं कुछ लोग, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन बताना मुझे कमेंट करके क्या बोलते हैं। और वो जो छोटे छोटे से पपी थे ना वो देखो बड़े हो गए हैं, तो देखो कितने बड़े हो गए ना वो, और यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे उनका जो है ना ऐसे ये जो वाइट वाइट से ना इनसे इनका घर बना दिया गया है ताकि इनको ठंड नहीं लगे। और इतने बड़े हो गए देखो उनको ड्रेस भी बनाया हुआ है रेड कलर की ताकि उनको ठंड नहीं लगे, तो बच्चे जो हैं देखते रहते हैं इनको खेलते रहते हैं। और इतने दिनों के बाद जो धूप आई है ना उसका मतलब सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी छत पे आ गए बच्चों को लेके। यहाँ पे मन्नत देख रहा है मिट्टी, यहाँ इसमें मिट्टी है ना, तो और मन्नत को मिट्टी से खेलने का बहुत शौक है, तो मन्नत बस वही देख रहा था कि ये मिट्टी मैं कैसे निकालूँ और कैसे इसके साथ खेलूँ। ये देखो मेरा जादुई आटा तैयार हो रहा है और इसके अंदर है ये वाइट वाले तिल हैं और ये अलसी है, ये इससे मैं बना रही हूँ आटा। ये देखिए ये जो है ना ओट्स है और मैंने ओट्स को ऐसे आटा बना दिया, मतलब पीस लिया है ओट्स को। और जादू देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है ये तिल और अलसी डाल दिया, मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ और इसको पाउडर बनाऊंगी और ये मेरा एक हेल्दी सा जो है आटा बन के तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये बन गया मेरा आटा। और आपको पता है कि ये अलसी होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और जिन जॉइंट्स पेन रहता है या कैल्शियम की कमी है, बहुत सारी चीज़ें की कमी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर ओट्स के अंदर होता है बहुत सारा फाइबर, तो सारी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। और आपको पता है कि मेरी जो है आर्थराइटिस जो है बढ़ चुकी है, तो मैं इस तरीके से आटा बना लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ खाने के मामले में, मतलब खाने से मतलब कि ऐसे एक चम्मच ले लिया लड्डू बना लिया या कुछ कर लिया, मैं बना लेती हूँ रखे रहते हैं खा नहीं पाती हूँ, तो ये मेरा सबसे अच्छा होता है। क्योंकि रोटी जो है ना वो तो हमें डेली खानी होती है, उसको तो हम भूल के भी छोड़ नहीं सकते, तो मैं इस तरीके से रोटी बना लेती हूँ, तो मेरी ये हेल्दी रोटी बन जाती है मुझे। और जो है ये क्या होता है ब्लैक ब्लैक सा अलसी, हाँ अलसी भी मिल जाती है, तिल भी मिल जाते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी बेसन और बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं इसके अंदर चावल कह रही हूँ गेहूँ का आटा, तो गेहूँ का आटा डालने से बहुत अच्छी रोटी बनेगी। और ज़्यादा अगर किसी को पतला होना है ना तो गेहूँ के आटे की जगह आप इसमें डाल सकते हैं मल्टीग्रेन आटा डालने से क्या होगा कि आप वेट भी कम कर सकते हैं।
अच्छा भी है। आप जाओ जल्दी से आओ लास्ट की, जल्दी आओ। ये मन्नत को खाना खिलाना महाभारत है और इसने इसमें से पनीर पनीर जो है निकाल के फेंक दिए हैं, बोले मुझे पनीर नहीं खाना। तो किस किस के बच्चे इसी तरीके से खाते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे एक घंटा लगता है इसको खिलाने में, क्योंकि इसी तरीके से जो है ना ये इधर उधर उछल कूद करके बड़ी मुश्किल से खाना खाता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।